अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एग्जांपल नंबर टू करनी है। एग्जांपल नंबर वन मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दी थी। एग्जांपल नंबर टू है, शो दैट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 3ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो लेंथ ऑफ लूप है इस कर्व, ये जो कर्व है इसका लेंथ ऑफ लूप क्या आएगा, 4a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। सबसे पहले हमने सिमेट्री चेक करनी है कि ये जो कर्व है सिमेट्रिक x एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है, या z या ओरिजिन के अलोंग है। तो हम सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, सिमेट्री अलोंग x एक्सिस हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे y को बाय माइनस वाई। और अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती तो सिमेट्रिक होगा ये कर्व अलोंग x एक्सिस। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व है अगर y की जगह पे माइनस वाई भी पुट कर दें तो स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अगर y को रिप्लेस कर दें माइनस वाई से और इक्वेशन चेंज ना हो तो फिर गिवन कर्व या जो इक्वेशन है वो सिमेट्रिक होती है अलोंग x एक्सिस। अब हम चेक करते हैं सिमेट्री अलोंग y एक्सिस, सिमेट्री अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री चेक करेंगे तो हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है x को बाय माइनस x से। तो अब यहाँ से जब मैं चेंज करूँगी x को माइनस x है तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे x पुट करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे जब मैं माइनस x पुट करूँगी तो ये इस तरह की इक्वेशन होगी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x x प्लस a का होल का स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं ये इक्वेशन टोटली चेंज हो गई है। तो ये जो गिवन कर्व है सिमेट्रिक नहीं है, गिवन कर्व इज नॉट सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। और अगर कोई कर्व x एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक हो और y एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक हो तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम सिमेट्री चेक कर रहे होते हैं अलोंग अलोंग ओरिजिन तो हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस x से और y को रिप्लेस कर देते हैं माइनस y से। तो हमारे पास क्या होगा, तो जब ये x एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक होगा कर, तो फिर हमारे पास वो इक्वेशन सिमेट्रिक होती है अलोंग ओरिजिन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक कर्व अलोंग ओरिजिन सिमेट्रिक है तो वो x एक्सिस और y से भी दोनों सिमेट्रिक हो। यानी कि अगर एक कर्व अलोंग x एक्सिस भी सिमेट्रिक है, y एक्सिस भी सिमेट्रिक है, तो वो ज़रूर ओरिजिन के अलोंग ओरिजिन भी हमारे पास सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर कोई कर्व विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्रिक है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अलोंग सिमेट्रिक होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग सिमेट्री चेक कर रहे थे तो ये हमारे पास जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस। यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। अब हम इनके इंटरसेप्ट्स निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं, हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू जीरो, पुट y इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम इस इक्वेशन में y की जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू जीरो और एक आ रहा है x इज इक्वल टू a। तो हमारे पास दो पॉइंट्स बने, एक बना है जीरो जीरो और दूसरा बन रहा है हमारे पास a जीरो। अब हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू जीरो। जब हम x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, तो y भी हमारे पास जीरो आ रहा है। तो हम अगेन हमारे पास वही जीरो जीरो पॉइंट आ रहा है। अब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, हम देखते हैं कि इस लूप की शेप कैसे बनेगी। ये हमारे पास पोज a जीरो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हमारे पास जीरो जीरो है, ये ओरिजिन वाला।
अब हमने इसी लेंथ ऑफ लूप यानी कि इस सारे लूप की हमने शेप फाइंड करनी है, सॉरी लेंथ फाइंड करनी है इस लूप की, है जो जीरो से ए, यहाँ से भी जीरो से ए, तो हमने इस लूप की हमने लेंथ फाइंड करनी है। अब हमारे पास अगर एस हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ है, लेट एस बी द रिक्वायर्ड लेंथ। अगर हमारे पास एस रिक्वायर्ड लेंथ है तो हमें पता है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम जीरो से लेके ए तक करेंगे, लेकिन हमारे पास दो जगह पे है, ये इस साइड पे भी है और इधर भी है, तो ये हमारे पास क्या होगा, जीरो से ए तक करनी है फिर जीरो से ए तक करनी है, तो हम क्या करेंगे इधर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन हमने जीरो से ए तक लेनी है और वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा डी एक्स, ये हमने लेनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, ये जो हमारे पास गिवन कर्व है तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएट किसको करना है, थ्री ए वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल का स्क्वायर, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये आ जाएगा सिक्स ए वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा टू इंटू एक्स माइनस ए, और फिर जब एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन हो जाएगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल का स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई कर दूँ, टू ए टू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस टू ए एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। या अगर हम इसको ऐसे ना भी करें, सिक्स ए वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से एक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है, अगर मैं वो कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बाकी टू एक्स रह जाएगा और एक्स माइनस ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए थ्री एक्स माइनस ए, ये आ रहा है हमारे पास थ्री एक्स माइनस ए। अब हम अगर हम सिक्स ए वाई को डिवाइड कर दें तो उस साइड पे राइट साइड पे, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए थ्री एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सिक्स ए वाई, और अगर हमें वैल्यू चाहिए होती है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पे स्केयर ले लेंगे, तो यहाँ x माइनस ए का भी स्केयर हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस ए का भी स्केयर हो जाएगा, थर्टी सिक्स ए स्केयर वाई स्केयर। अब जो हमारे पास कर्व गिवन है वो हमारे पास है थ्री ए वाई स्केयर एक्स इंटू एक्स माइनस ए का स्केयर, तो यहाँ से अगर मैं वाई स्केयर की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगी एक्स इंटू एक्स माइनस ए स्केयर थ्री ए, यहाँ हमें चाहिए वन ओवर वाई स्केयर की वैल्यू, तो वो आ जाएगी थ्री ए ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस ए का स्केयर। अब यहाँ से हमने क्या किया, वन ओवर वाई स्केयर की वैल्यू ये पुट कर दिया, एक्स माइनस ए स्केयर थ्री एक्स माइनस ए स्केयर थर्टी सिक्स ए स्केयर वैसे रखा, और वन ओवर वाई स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दिया। तो अब हम यहाँ देखेंगे एक्स माइनस ए स्केयर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, थ्री से थर्टी सिक्स कैंसिल होगा तो ट्वेल्व हो जाएगा, ए से ए स्केयर कैंसिल करेंगे तो ए रह जाएगा और एक्स ऐसे आ जाएगा, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होल स्केयर की वैल्यू ये आई है। अब हमने क्या करना है, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे वन ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा ट्वेल्व ए एक्स, और जब हम इस स्केयर को ओपन करेंगे तो नाइन एक्स स्केयर ए स्केयर माइनस सिक्स ए एक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व ए एक्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी नाइन एक्स स्केयर, ट्वेल्व में से सिक्स निकालेंगे तो सिक्स ए एक्स प्लस ए स्केयर, और ये किसका स्केयर बन रहा है थ्री एक्स प्लस ए स्केयर, डिनोमिनेटर में वैसे ट्वेल्व ए एक्स आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है हमें, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, चाहिए वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल का स्क्वायर की, तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स प्लस ए, जब हम ट्वेल्व ए का स्क्वायर रूट लेंगे तो टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए आ जाएगा, और ये एक्स की पावर वन बाई टू हो जाएगी। तो ऐसा हमने रखा हुआ था टू इंटू जीरो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल का स्क्वायर डी एक्स के इक्वल रखा हुआ था, तो ये वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री को अगर हम बाहर निकालें तो ये इस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए आ जाएगा, और जीरो टू ए ये हमारे पास बाकी वैल्यू ये रह जाएगी,
तो अब हमारे पास क्या होगा, x में से x की पावर 1/2 निकालेंगे तो 3x की पावर 1/2 और a x की पावर -1/2, इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है 1/√3a। यहाँ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 3x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और यहाँ आ जाएगी a x की पावर 1/2 और ये 1/2। इस पर इंटीग्रेशन की लिमिट हमने पुट करनी है 0 to a। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारे पास रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बाकी लिमिट क्या रह जाएगी, 1/√3a। यहाँ हमारे पास 2, यहाँ पे a की पावर 3/2 माइनस और 0 की पावर 3/2 आ जाएगी लिमिट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट भी हमारे पास 2 होगा, 2a होगा और यहाँ पे a की पावर 1/2 माइनस 0 की पावर 1/2 ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से बाकी हमारे पास क्या कैंसिल होके आएगा, s की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी s इंटू s इज इक्वल टू 1/√3a 2a raised to power 3/2 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, 1/2 में 1 पावर ऐड करेंगे तो ये भी 2a की पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 4a की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √3a। तो अब ये 3/2 है और ये पावर 1/2 है, 3/2 में से 1/2 निकालने तो हमारे पास 4a/√3a हो जाएगा और हमने यही प्रूफ करना था।